हम सब आंतरिक रूप से विकलांग हैं, विकलांग मन, विकलांग बुद्धि, विकलांग चित्त, विकलांग इंद्रिय, विकलांग हमारे थॉट प्रोसेस, विकलांग और विकलांग बुद्धि, विकलांग मन, इससे हम बाहरी युद्ध जीतने निकले, बाहर के लोगों को परास्त करने निकले। भारत को जरूरत है पहले भगवान श्री कृष्ण के। अरे भैया एक साधारण सी बात है, गांव के आदमी हो, सीधी सी बात बताओ, तुम्हारे बेटे और बेटी तुमको जाकर कहें मम्मी आई लव यू, मम्मी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मतलब वेरी नाइस बेटा, एक ग्लास पानी ले आ, ओ पापा अब दूसरे से मांग लो ना, बट आई लव यू, डोंट माइंड बेटे आज मेरा दवाई नहीं आया, मंगवा लो, बट आई लव यू पापा, बट आई कांट डू दिस, उसको बोल दो, छोटू को बोल दो ना, ओके डोंट माइंड बेटा देख मम्मी की तबीयत खराब है, एक बार डॉक्टर को दिखा देना, आई लव यू मामा, बट मैं नहीं जाऊंगा, उसको बोल दो ना। अच्छा बेटा आटा ले आ, रोटी बनवानी है, आई लव यू बट आटा नहीं ला सकता। सोई अगर बढ़िया यशोदा जैसी मैया रहेगी तो उठा के चार धौर देगी, बोले दारी के तेरे लव को कहां चार बना के खाऊं, जब तू कछु काम ही ना ही करोगे तो तू काय को लव लव कर रहे हो, लव यू लव यू लव यू, वो कैसा लव है। मेरे गुरुदेव कहा करते लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलेवड इज सम SHAM, ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं हो प्रेम प्रेम नहीं पाखंड मात्र है। प्रेम है तो प्रेम की क्रिया भी जरूरी है, प्यार है यशोदा को प्यार है कृष्ण से तो पग पग पर दिखाई दे रहा है, गोपियों को प्रेम है श्री कृष्ण से तो पग पग पर दिखाई पड़ रहा है, दाऊ जी को प्रेम है अपने छोटे भैया से तो भैया रुक्मिणी का हरण करने पहुंच गए और उसके बीच में दाऊ जी पहुंच गए, अब चिंता मत कर कन्हैया तू ले जा बाकी गोदारी को मैं संभाल रहा हूं, बीच में पहुंच गए दाऊ जी जाकर के हलमुसल लेकर के सबको ठीक कर गए महाराज, बीच में भैया पहुंच गए। प्रेम का अर्थ है लविंग एक्टिविटीज, बट वेयर इज योर लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स योर मदर फादर योर गुरु, कहां है आपके पास वो एक्टिविटीज, कहां है आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, प्रेम प्रेम प्रेम, और वही प्रेम कृष्ण के साथ भी कर रहे हो। हम तो कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो दाऊ जी को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो गोविंद को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो नंदलाल को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो दामोदर को बहुत प्रेम करते हैं। भैया बहुत प्रेम करते हो तो गीता में उन्होंने तुम्हारे महाभारत को जीतने का उपाय बताया है, तुम दुखी हो हताश हो निराश हो दुर्बल हो दीन हो तकलीफ में हो रो रहे हो कठिनाइयों के सामने घुटने टेक दिए हो डिप्रेशन में चले गए हो मानसिक रोग हो गया है डॉक्टरों के द्वार पर नंबर लगाए हुए हो, तो क्यों नहीं अगर तुम अपने कन्हैया को इतना प्रेम करते हो तो तुम्हारे कन्हैया ने जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में उन 3.25 करोड़ सैनिकों को लेकर लड़ने वाले इच्छा मृत्यु प्राप्त वरदान जो भीष्म वहां के सेनापति हैं ऐसे लोगों के दांत खट्टे करवा दिए केवल 45 मिनट के ज्ञान से अर्जुन को दे करके, उस ज्ञान को क्यों नहीं लेना चाहते, उस गीता से मतलब क्यों नहीं है। उद्धव जी से भागवत कह रहे हैं एकादश स्कंध में, उद्धव गीता है वो, उस स्कंध को क्यों नहीं उठाते। भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान क्या चाहते हैं अपने भक्तों से, भगवान क्या चाहते हैं कि उनके भक्त क्या करें कि जीवन में आनंदित रहें सफल रहें मस्त रहें, वो क्यों नहीं सुनते, वो तो नहीं सुनते, वो तो नहीं अपनाते।